श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार आज मनाया जा रहा है हरियाणा एमएलए हॉस्टल में। आपको तस्वीरें हम यहां से दिखा देते हैं और यहां पर खास तौर पर हरियाणा विधानसभा के जो कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, वो पहुंची हुई हैं और साथ ही साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की पत्नी विमला गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए, लोग सभी रंग में रंगे हुए हैं आज तीज के, और एक से बढ़कर एक परिधान इन्होंने डाले हैं और तीज के जो पारंपरिक गीत हैं वो गाए जा रहे हैं, झूले झूले जा रहे हैं। तीज के जितने भी उत्सव में कार्यक्रम रहते हैं वो सारे यहां पर होंगे। आपको देखने को मिल रहा है किस तरह से तीज के जो गीत हैं वो गाए जा रहे हैं, साथ ही साथ और भी जो प्रोग्राम होते हैं, झूला झूलने का है, चूड़ियों का है, वो सभी यहाँ पर होगा। और साथ में इन लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में हैं, जब हमने बहुत सारे पुराने ऐसे ख्याल तोड़े हैं जो पहले जमाने में औरतों को लेकर होते थे, पर आज हम आधुनिक दौर में हैं, तो आधुनिकता में त्योहार जो मनाने हैं उसमें कितना बदलाव आया है, किस तरह से बदलाव आए हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे इन सभी से कि तीज के त्योहार जो है वो अब कितने बदल गए हैं और किस तरह से पहले मनाए जाते थे। सबसे पहले हमारे साथ विमला गुप्ता जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। विमला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो तीज का त्योहार है यहाँ पर मनाया जा रहा है, पहले किस तरह से मनाया जाता था और आज हम इस तरह से जैसे एक जगह इकट्ठे होकर मना रहे हैं? पहले भी ऐसे मनाते, सभी इकट्ठे होते थे, बड़ा अच्छा लगता था, खुशियाँ मनाते थे, अपना खाने पीने का मनाने का। होता था कि घर के काम करने होते थे, घर में ही पकवान बनाने होते थे, घर के ही आसपास की औरतें इकट्ठी होती थी और वो मनाती थी, इकट्ठी होती रल मिल के बना लेते थे, जाते थे शाम को, फिर पींगा जोड़ते थे, मेला बढ़ता था, गीत गाते थे, एंजॉय करते थे, खूब काम करके अपना घर से इकट्ठी जगह पे होता था। जैसे एक बटका वृक्ष है, उसके नीचे जाके झूला डाल के वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, हमने सब पहुँचते थे, पूरे दिलो दिमाग से वो नाचते थे, हरियाली उनके आसपास तो क्या, उनके पूरी ज़मीन पे हरियाली छाई होती थी, खुशियाँ जो उनके घर मुंह पे दिखती थी, एक एक औरत के मुंह पे ऐसी लाली छाई आती थी कि बयान करना मुश्किल था। सीम से ऐसे शिव जी और पार्वती की प्यार की सीमा असीम थी, ऐसे उनकी फेस पे रौनक आई हुई होती है। तीज की महत्वता के बारे में ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि अगर पुरातन समय की बात की जाए तो तीज की क्या महत्व? शिव जी और पार्वती का आपस में प्यार है, कृष्ण का वैसे ही, हम सुहागनों का भी ऐसे ही पति का प्यार बना रहे हैं हमारा, और हमारा तभी से परंपरा चली आ रही है तीज को मनाने की। चूड़ियों का भी, मेहंदी का भी और झूला झूलने की भी बहुत महत्वता होती है, आपसे जानना चाहेंगे, चूड़ियां आपके सामने हैं तो इसके क्या रोल रहता है? चूड़ियां दुल्हन के हाथों में खनकती वैसे ही अच्छी लगती है सुहागनों के, हाँ दुल्हन सुहागनों जो भी है सभी के हाथ में अच्छी लगती है। गीत जो हैं वो भी गाए जाते हैं इसमें सावन में, और साथ ही साथ तीज है तो इस मौके पर भी हम गीत गाना कैसे छोड़ सकते हैं, तो गीत हो जाए। आया सावन का महीना सखी जब लोरे झूला, आया सावन का महीना सखी झूलो रे झूला, सखी झूलो रे झूला, सखी झूलो रे झूला। तो सबने अपने जो गाने के तरीके हैं यहाँ पर, मस्ती करने के तरीके हैं, वो ढूंढ लिए हैं। आप देखिए, मोबाइल के बिना तो आजकल कोई भी नहीं रहता, तो गाना जो है मोबाइल पर चल रहा है और थिरकना जो है वो भी मोबाइल पर जारी है, आप देख सकते हैं तस्वीरें। साथ ही साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की पत्नी जो है विमला गुप्ता, वो भी थिरकती हुई नजर आ रही हैं, और विधानसभा का स्टाफ है यहाँ पर, महिला स्टाफ जो है यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और ये लोग नाच गाना कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है हम लोग बातचीत भी इनसे करेंगे। वर्किंग वुमेन है आप लोग, तो कितना मुश्किल रहता है इस तरह से समय निकाल पाना? नहीं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, हम माननीय अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये तीज का प्रोग्राम स्टार्ट किया। हम सब महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी होती हैं और बहुत सुंदर सुंदर सब तैयार होकर आती हैं, आज का दिन फ्री कर देते हैं कि आप बिल्कुल फ्री हो, तो जो मर्जी करो, इंजॉय फुल इंजॉय, तो इसलिए हम अध्यक्ष महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए हमारी अटेंडेंस होते हुए हम आज अपना एंजॉय कर रहे हैं। अगर छुट्टी वाला दिन होता तो हमें काम रटे होते हैं, आज सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है, पर इस समय आपकी हाजिरी भी लग रही है और सेलिब्रेशन फंक्शन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, और ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखो हम सब ऐसे कभी इकट्ठे होते ही नहीं है, हो ही नहीं पाते कि सब अलग अलग ब्रांचेस में है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, और अब तो सेशन भी आने वाला है तो कुछ काफ़ी ब्रांचेज में प्रेशर रहता है, तो अब 25th से सेशन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले हमने ये सेलिब्रेट कर लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारी जो चीज़ें हैं वो दिमाग में चल रही हैं कि इस समय सेशन शुरू होना है, इस समय ये काम कर। बिल्कुल मैम,
और तो हम सब मैरिड हैं तो सबका शेड्यूल पहले से बना होता है छुट्टी वाले दिन, लेकिन आज सबने हमें घर से भी फ्री किया हुआ था, जाओ अपना एंजॉय करो। तो शेड्यूल सबके सेट हैं, एक बार जो है हाथ जोड़कर जो है वो घूमने वाला प्रोग्राम हो जाए, अभी इधर से हुआ था, एक दूसरे से हाथ जोड़कर इस तरह से आप लोग अगर घूमेंगे सावन में तो उसकी भी बिल्कुल बिल्कुल पिंक पाके देख लीजिए, अपने अपने एक ग्रुप जो है वो बनाया जा सकते हैं इसमें, और इस तरह से आप देखिए किस तरह से सेलिब्रेशन जो है यहाँ पर सभी कर रहे हैं। विधानसभा की कारकुन है, विधानसभा के ये सभी काम करते हैं और यहाँ पर आज पहुंची हुई हैं, और देखिए आप किस तरह से मस्ती की जा रही है, तीज का एंजॉयमेंट किया जा रहा है। मेरे बाप दा जवाई नी बड़ा सोना, मेरे बाप दा जवाई नी बड़ा सोना, जमिया ना रखिया गुरदिता, सस मेरी ने मुंडा जमिया ना रखिया गुरदिता, पंजीरी खावांगे वाहेगुरु ने दिता पंजीरी खावांगे। आंदा जांदा फिसल गया नी मेरा रोंदिया। जैसे एक समय हम लोगों को मिलता है जब इकट्ठा होने का इस तरह से, शायद क्योंकि जब हम लोग काम पे होते हैं तब एक दूसरे से उतनी बात भी नहीं हो पाती, एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं चल पाता, तो किस तरह से देखते हैं त्यौहार जो इस तरह से हम लोग अब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं इतने टाइम में फंसे होने के बावजूद, इतने बिजी शेड्यूल। बहुत अच्छा लग रहा है, सब लेडीज अपने घर के कामों से निकल कर उनको घर के कामों को भूल कर यहाँ पे गीत संगीत में इंजॉय करती हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करती हैं, और नाच गाना हो रहा है, सब अपने अभी घर के कामों को सब भूले हुए हैं, यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बचपन याद आ रहा है कि बचपन में जैसे कैसे बिना किसी टेंशन के हम नाचते गाते थे, वही सब अब दिखने को मिल रहा है। जानेंगे कि किस तरह से पहले जब छोटे होते थे तीज मनाने के लिए तब भी जाते होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बचपन में ऐसे झूले डाल के वृक्ष पे पिंगे डालते थे और ऐसे पूरी गुलगुले वगैरह बना के हम सब लोग खाते थे। आज थोड़ा चेंज है, आज सजावट ज़्यादा होती है, सजावट से बड़ा अच्छा लगता है, हम तैयार होके अच्छे से जाते हैं और 16 सिंगार करके जाते हैं तो पिंगे डालते हैं, झूला झूलते हैं, सब टेंशन भूल जाते हैं घर की। जैसे पहले गाँव में हम मनाते थे ना, वो यहाँ चंडीगढ़ में आके हम सारे भूल गए थे, और वो चीज़ें हमें आ रही फिर से। हाँ, 3 साल हो गए हम फिर से अपने गांव को अपनी जड़ों को याद कर रहे हैं और उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बिल्कुल ओरिजिनल जो हमारे थे फेस्टिवल उस तरह से हम मना रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और स्पीकर साहब के लिए जितना थैंक यू बोले उतना कम है, उन्होंने हमें मौका दिया बिना टेंशन के, सारा दिन हमारा फ्री कर दिया कि आप मनाओ, हम अच्छे से तैयार होके नहीं कहीं नहीं निकला जाता, यही होता कि फॉर्मेलिटी करो ऑफिस के बाद घर के बाद फॉर्मेलिटी हो जाती है, हम दिल से अपना बचपन एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने की बात की जा रही है, जब नया देखते हैं ना पुराना को याद करके उसको दोबारा से शुरू किया हमने सब कुछ, बिल्कुल भूल लेना हम अपनी संस्कृति को पूरी याद रखी है, संस्कृति को याद रखने के। आप बड़े गाने जो हैं गुनगुनाए जा रहे थे, उन पे डांस हो रहा था, क्या कुछ याद है? हाँ जी, बस यही याद है बेटा, जो गाया हमने अच्छा लगा बहुत गा के, और ये साल बाद बेटा त्योहार आता है, इसका बहुत इंतजार रहता है हमें, रात को नींद भी नहीं आती हमें। आज इंतजार था, कितने उत्सुक थे इस शो के? ज्यादा मैडम जी, बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कि आप आइए यहाँ पर, एक प्रोग्राम जो है छोटा सा वो डांस का वो हो जाए, गीत जो है वो हो जाइए, आ जाइए। मेरे सिर पर बंटा टोकनी, मेरे सिर पर पतली सी काम, हंसी खुशी टिटोली की तरह से देखिए, किकली फिर से शुरू हो गई है, किकली जो है वो जरूर डालेंगे, एक बार आपको दिखाएंगे यहाँ पर। हाँ, किकलियाँ फिर से शुरू हो गई हैं।
तो तीज का त्योहार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने जोरों शोरों के साथ मनाया जा रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, हंसी खुशी के साथ यहाँ पर जो है झूले भी झूले जा रहे हैं और सभी औरतें यहाँ पर आज मौजूद हैं, इकट्ठे याद भी कर रही थी उन पलों को, उस दौर को जब पहले तीज मनाई जाती थी, पर आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सभी विधानसभा में कार्यरत हैं और आज इनको टाइम मिला है तीज मनाने का, इसलिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अटेंडेंस लग रही है तो ये सबसे अच्छी अचीवमेंट है, छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, ऑफ नहीं लेना पड़ा और किस तरह से फिर तैयारी की, कपड़े भी तैयार करने होते, चीज़ें भी तैयार करनी होती ये हमने तो बहुत इंजॉय किया, ये हम इनके गेस्ट हैं और इन्होंने बहुत इंजॉय करवाया और इतना अच्छा लग रहा है देखने में और ऐसा लग रहा है अगले साल भी हमें जरूर इनवाइट करें, ये वाली प्रीसियस मोमेंट हम छोड़ नहीं सकते तो आपकी तरफ से क्या तैयारी की गई थी, एक्साइटमेंट होता है कि तीज का होगा तो यहाँ पर आएंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हमने तो एक महीना पहले ही मैंने अपने पिताजी से पूछना शुरू किया था कि कब क्या तैयारी चल रही है, कब है तीज का प्रोग्राम, मेरी कपड़ों की तैयारी शुरू हो गई कि मुझे ये कपड़े पहनने हैं, ये साथ की चूड़ियाँ पहननी है, बिंदी लगानी है, ये चप्पल पहननी है, तो हमें हमेशा ही इंतज़ार रहता है ये दिन का। मैं भी कह रही हूँ होली पे हमें पुराने नहीं मिलते, त्योहारों पे हमें नई नहीं मिलते, देते हैं क्या क्या के निकाल रहे, हाँ चूड़ सी प्रॉब्लम है, हाँ ना बिल्कुल बिल्कुल, हाँ निकालते जाते क्या पहने औरतों की व्यथा ये तो हमेशा रहने वाली है, पर बात चल रही थी महत्वता की, तो महत्वता क्या है तीज की, इसके बारे में भी हमें आपको जरूर बताएंगे। हरे कांच की चूड़ियां डाली गई, उसके बाद मेहंदी लगाई जा रही है, इनसे जान लेते हैं कि मेहंदी का भी क्या महत्व है, क्यों तीज पे और सावन के महीने में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। ये तो लगा रही है, कॉन्सेंट्रेट करके बैठी है, तो आपसे जान लेते हैं। मेहंदी हमारे सुहाग का प्रतीक है और हम अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए अपने हाथों में हरी चूड़ियां और मेहंदी लगाते हैं, जैसे नाम से ही प्रतीत होता है हरियाली तीज, यानी हरा रंग खुशियों भरा रंग खुशियों वाला त्यौहार, तो हरियाली तीज मनाई इसीलिए जाती है, अपने सुहाग ने अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं और खुशी खुशी उसको मनाती हैं, तरह तरह के पकवान बनते हैं जिन्हें हम खुशी खुशी से खाते हैं और बहुत खुशी से मनाते हैं। आप लगा रही थी मेहंदी तो मैं भी जानती हूँ आपसे, एक शगुन जो है वो मैं भी करवा लेती हूँ क्योंकि बाकी सबके मेहंदी लगी हुई है, मेरे हाथ में मेहंदी नहीं है, हर सिमरत। तो कैसे देखते हैं आप इसको, जैसे आप लोग पहले ही मेहंदी वगैरह लगा के आई हैं, तैयारी कर रखी थी? हाँ जी, हाँ जी, हमने तैयारी की हुई थी, हमने मेहंदी लगाई हुई है, हाथों में चूड़ियाँ डाली हुई है और हमने डांस परफॉर्मेंस भी तैयार की है और ये सब हम लोगों ने तीज के लिए तैयार किया है। पहले की मैं बात करूं, उस समय शायद आप भी छोटे होते होंगे, घर वालों को तीज मनाते हुए देखते होंगे, तो उस समय कैसे एक्साइटमेंट रहती थी, उस समय कैसी तैयारियां थी? अपने पेरेंट्स को देखते थे, अपनी मम्मा को देखते थे, वो मेहंदी लगाते हैं, नए कपड़े डालते हैं, तैयार होते हैं, तो तब हमारा भी मन करता था कि अब जब हम बड़े होंगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे, तो अब हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। मौका मिला है आपको आज यहाँ पर तीज मनाने का? पहली बार सेलिब्रेट कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं की, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तीज फेस्ट भी होता है, बिकॉज मैं पंजाब से हूँ ना, वहाँ पे तो करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया है तिया का त्यौहार। हाँ जी, ये फर्स्ट टाइम मैंने सेलिब्रेट कर रही हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। तिया के बारे में जान लेते हैं कि कितना कुछ से डिफरेंट है, क्योंकि तिया और तीज एक ही चीज़ है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। हाँ, उसमें यह है कि पंजाबी वो घाघरा चोली पहनती हैं, परांदा वगैरह करती हैं ना, अच्छी लगती हैं, यहाँ पे तो डिफरेंट ही है ना हरियाणा के अकॉर्डिंग। तो त्योहारों को लेके अब एक्साइटमेंट होनी शुरू हो गई? अब हो गई है, हाँ, पहले नहीं होता था, यहाँ पे देखने को मिला कि ऐसे करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, व्रत भी रखते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम है, तो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है क्योंकि त्योहार जो हैं वो इकट्ठा करते हैं सबको, किसी भी बहाने से आए, किसी भी भाषा में आए या किसी भी धर्म में आए, पर त्योहारों को लेकर हमारी जो एक्साइटमेंट होती है, हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो जरूर एक सी होती है। धूमधाम से मनाई जा रही है और आज अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो यहाँ
सभी आज इकट्ठा हुए। देखो जी, पहला तो तिया के त्यौहार का बहुत बहुत सबनों बधाइया, बहुत सारे सोने लग रहे हैं। दूजा मैं अपने सारे सैक्टर वासियों खास तौर पर मेरी मदर न बहुत धन्यवाद कर दी कि अज उन्होंने पार्टी थ्रो करी है, उन्होंने अपने बच्चे से खुशी है। और रही गल कट्ठे मंच से, मैं ये लगता है कि शायद जो असं इन्नी देर तो रखते हैं कि कदों डांस करन का मौका मिलेगा, है ना। गुरबख्श मैम भी प्रोफेसनल होते जाते हैं, असं उ चुपचाप पता करके ताड़ियाँ बजा रहे होंगे, बट शायद ये जो अपना प्रोग्राम होंगे उत्थे तुसी खुल के डांस करते हो और खुल के मस्ती करते हो। इसलिए मैं कहूँगी सारे इन्वॉल्व हो और मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि सब बिना कोई बंदिशां दे खुल के नाच रहे ने, कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि सब तो बड़ी यही चीज़ होंगी कि एवरीवन स्माइल्स एंड एवरीवन इंजॉयज द फेस्टिवल। फेस्टिवल तो वैसे ही लेडीज का होंगे, तो जस्ट इंजॉय एंड इंजॉय टिल ब्रेथ। एंजॉयमेंट की गल कही जा रही है, तो हाउ इज द जोश? जोश कितना हुआ? ਵਧਾਈ ਨੀ ਸ਼ਰੀਕ ਜੰਮਿਆ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਨੀ ਸ਼ਰੀਕ ਜੰਮਿਆ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਨੀ ਸ਼ਰੀਕ ਜੰਮਿਆ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ। ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਲੇਲਾ। ਨੀ ਸੱਸੇ ਆ ਕੀ, ਨੀ ਆ ਕੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਆ ਕੀ, ਨੀ ਆ ਕੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, ਨੀ ਸੱਸੇ ਆ ਕੀ, ਨੀ ਆ ਕੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, ਸੱਸੇ ਆ ਕੀ वो आगी रौनक मेला। सस सस मेरी दे मुंडे जम्मे, सस मेरी दे मुंडे जम, लंबी रेल बड़ावा गए फिर गड्डिया वो पी पी पी, फिर गड्डिया मोटर पी पी पी, फिर गड्डिया मोटर पी पी, फिर गड्डिया मोटर पी पी पी, फिर गड्डिया मोटर पी 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 पी, फिर गड्डिया मोटर फिर गड्डिया मोटर। रंग जमाए हैं और आपसे जानना भी चाहेंगे, गुरबख्श जी आप भी यहाँ पर, आपसे भी जान लेते हैं। तीज के त्योहार पर आप सभी को इकट्ठा होने का मौका मिला है, देख पा रहे हैं कि कोई पार्टीबाजी नहीं है, आप सभी औरत होने के नाते तीज मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देखिए, तीज का ये त्योहार है, वैसे भी हम सबको एक भाईचारे का आपस में संदेश देता है। जितनी भी यहाँ पर सुहागने हैं वो अपने हस्बैंड्स के लिए जो लंबी उम्र की दुआएं करती हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि आज ये रंग देखने को देखते ही बनता है। और सारी की सारी जितनी भी आज यहाँ पर हमारी बहनें तैयार होकर यहाँ पर पहुँची हुई हैं, तो बहुत अच्छा है। इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, ये देश का हमारा विरसा है, हमें इसको आगे बढ़ाना है, ये हमारा हेरिटेज है, हमने अपने कल्चर को अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। और महिलाओं पे बहुत बड़ा दायित्व है, आज अगर हम अपने परिधान नहीं पहनेंगे, अपने तीज त्यौहार नहीं मनाएंगे, तो शायद आगे बच्चे भूल जाएंगे। तो इसलिए ये मनाना ज़रूरी है और इस संस्कृति को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं सारी मेरी बहनों को तीज की, आपको भी हैप्पी तीज। हैप्पी तीज जो है इनकी तरफ से कही गई है, बहुत अच्छे तरीके से मनाई भी गई है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी आप देखिए किस तरह से तैयार होकर औरतें यहाँ पर पहुँची हैं। पूर्व मेयर है हमारे साथ, सर जिन इनसे भी जान लेते हैं। मैम, यूजुअली आपको जो है ऐसे मौकों पर देखा जाता है, कहीं इनोग्रेशन करने जाते थे, कहीं कुछ होता था, और बहुत बार जो है हमने वेल में वहाँ पर भी देखा जब हाउस मीटिंग होती थी, तो यहाँ पर किस तरह का माहौल है, ये किस तरह से देखती है जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਹਰ ਸਪੀਡ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। देश का नाम रोशन करें, और तरक्की की बात जो है वो की जा रही है। एक पहलू आपको हमने यहाँ पर ये दिखाया, ये सभी जो औरतें हैं ये एक वार्ड की औरतें। इसके अलावा आपको बताएं कि इसमें ज़्यादातर जो है वो काउंसलर हैं यहाँ पर जो पहुँची हैं। जब हाउस की मीटिंग होती है चंडीगढ़ के, जब पक्ष की बात आती है, ज़रूर ये एक दूसरे से शायद सहमत नहीं होते होंगे, क्योंकि अलग अलग पार्टी है, अलग अलग विचारधारा है। पर मैं आपको ये बताऊँ कि जब त्योहारों की बात आती है, जब सेलिब्रेशन की बात आती है, जब चंडीगढ़ के विरसे की बात आती है और इतिहास की बात आती है, तब जो ये सभी औरतें हैं, ये
सभी यहाँ पर इकट्ठा होती हैं। आप देखिए अलग अलग परिधान इन्होंने डाले हुए हैं, बहुत सुंदर तैयार हुई हैं। पंजाबी विरसे की झलक जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। आपको दिखाएं यहाँ पर झूला है जहाँ पर औरतें जो हैं वो झूला झूल रही हैं। ये भी माना जाता है सांस्कृतिक जो है वो परंपरा मानी जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर जो है चरखा भी रखा गया है और इसको देखकर ऐसे ही ये चीजें लगती हैं कि ये हमारी परंपरा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं और पारंपरिक परिधान जो हैं वो भी इन्हें पूरा करते हैं। और बाकी सभी ने बहुत सुंदर जो है परिधान डाले हुए हैं और आकर के सावन का त्योहार जो है वो इनकी तरफ से आज मनाया जा रहा है। हरियाली तीज जो है आज मिलजुल कर सभी की तरफ से सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग एरिया के जो काउंसलर हैं जो कि अलग अलग पार्टियों से संबंधित है पर आज एक ही मंच पर आकर फिरती हैं और एक ही मंच पर इकट्ठा हुई हैं तो तीज मनाने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत कौर।